हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सोना 24M में। मैं राहुल सिंघानिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार आंगनबाड़ी वैकेंसी 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो भी फीमेल स्टूडेंट्स इस ICTS वैकेंसी में रुचि रखते हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। आपको हम बताना चाहूँगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत इच्छुक अभ्यर्थी 7 मई 2022 से आवेदन शुरू हो जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थी जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसके बाद अच्छे से भर के और नीचे दिए गए पते पर आप भेज सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस वैकेंसी से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हमारा यूट्यूब चैनल सोना 24M को सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए लेटेस्ट जॉब इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं। यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिल सकता है अपने करियर को लेकर के। तो आइए हम बात करते हैं शिवहर जिला में जो आंगनबाड़ी की वैकेंसी होने वाली है सेविका और सहायिका की, इससे रिलेटेड हम सभी महत्वपूर्ण जानकारी के ऊपर हम बात करते हैं एक एक पॉइंट्स के ऊपर। बताना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। आगे हम बात करते हैं। बताना चाहूँगा कि आर्टिकल जो है बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका रिक्वायरमेंट 2022 है और अथॉरिटी जो है इंटीग्रेट चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS है। एडवर्टाइज नंबर 1/2022/2023 है। बताना चाहूँगा कि पोस्ट का नाम जो है आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका है। कुल जो है 22 पोस्ट पर ये वैकेंसी होने वाली है। स्टार्ट डेट 7 मई 2022 है और आप इस फॉर्म को जो है ऑफलाइन माध्यम से अप्लाई कर पाएंगे। आपको बताना चाहूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी हम दे दिए हैं, चाहे तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए हम इससे रिलेटेड बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन आने वाली है इस वैकेंसी में, कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। आपको बताना चाहूँगा कि आंगनबाड़ी सेविका क्रेडिट शुड है पास्ट 10th मैट्रिक होना अनिवार्य है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स फीमेल सहायिका के लिए आंगनबाड़ी सेविका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो है मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। आगे हम बात करते हैं आंगनबाड़ी सहायिका की। आपको बताना चाहूँगा कैंडिडेट शुड है पास्ट 8th क्लास। जो स्टूडेंट्स सहायिका के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको जो है मिनिमम आठवीं क्लास पास होना अनिवार्य है। इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशन ये है कि जो है विधवा अभ्यर्थी जो को थोड़ा ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अगर जैसे आप अप्लाई करेंगे उसमें कोई विधवा स्टूडेंट्स होंगे तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्राथमिकता जो है दिया जाएगा। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट की। आपको बताना चाहूँगा कि मिनिमम एज जो है आपकी 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है 40 ईयर्स होनी चाहिए। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर अप्लाई, आपको बताना चाहूँगा कि आपको कौन कौन से कागजात जो है अप्लाई में लगने वाला है, कौन कौन से कागजात की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है, इन सारी पॉइंट्स के ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मैट्रिकुलेशन मार्कशीट, मैट्रिक का मार्कशीट चाहिए, 8th क्लास पास सर्टिफिकेट फॉर सहायिका के लिए 8वीं क्लास की जो है CTC चाहिए और रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र चाहिए और विडो सर्टिफिकेट फॉर विडोज जो विधवा है उनके लिए विधवा सर्टिफिकेट जो होता है वो चाहिए और PWD सर्टिफिकेट चाहिए जो कि विकलांग सर्टिफिकेट उम्मीदवार हैं उनके लिए PWD का सर्टिफिकेट भी चाहिए। मोर इन्फॉर्मेशन चेक ऑफिशियल नोटिस। आपको जो है अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देखना अनिवार्य है, आप देख सकते हैं। बताना चाहूँगा कि बिहार आंगनबाड़ी भर्ती पे स्किल क्या रहने वाला है इस वैकेंसी में। जो स्टूडेंट्स इस वैकेंसी में रुचि रखते हैं वो बेहिचक इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्कोप है और अच्छी जो है ICDS की नौकरी है। आपको बताना चाहूँगा कि सामान्य आंगनबाड़ी सेविका जो है उनको 5,600 रुपये मानदेय मिलने वाली है और मिनी आंगनबाड़ी जो है उनको 4,400 रुपये मिलने वाली है और सहायिका को 2,800 रुपये पर मंथ मानदेय मिलने वाली है।
आपको बताना चाहूंगा कि यह भर्ती जो है शिवहर जिले के अलग अलग प्रखंड में अलग अलग पंचायत के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल माध्यम से भी किए जाएंगे। आवेदन पत्र को अच्छे से भर करके सभी जरूरत दस्तावेज को छायाप्रति के साथ जिला प्रोग्राम कार्यालय विहित पत्र में अनुलग्न सहित विज्ञापन प्रकाशित तिथि 15 दिन तक कार्य दिवस अवकाश अवधि छोड़कर कार्यालय अवधि में स्वीकार किए जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जिस नोटिफिकेशन निकला है उस दिन से लेकर के 15 दिन तक जो है अवकाश अवधि को छोड़ के जो छुट्टी वगैरह जो है छोड़ करके 15 दिन तक आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारा लेटेस्ट जॉब सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।